हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं वन्ना। तो आई थिंक आपको याद होगा कि 5-6 दिन पहले मैंने आप सबके साथ एक मलाई कॉफी का फेस पैक शेयर किया था, स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको करवा चौथ, दुर्गा पूजा, दिवाली, पार्टी, शादी में पार्लर जाने का टाइम नहीं मिला है या तो फेशियल करवाने का टाइम नहीं मिला है, तो आप 1 या 2 घंटे पहले ये फेस पैक को लगा सकते हो। बट गाइस, उसमें मुझे इतनी सारी कमेंट रिसीव हुई कि मैम, क्या मलाई ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो नहीं गाइस, मलाई ऑयली स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते। और भी मुझे बहुत सारी ऐसे कमेंट आए कि मैम, आपने ड्राई स्किन वालों के लिए तो बता दिया कि आप करवा चौथ, दिवाली, दुर्गा पूजा कि यू नो इंस्टेंट 1 या 2 घंटे पहले ये फेस पैक लगा सकते हो, बट ऑयली स्किन वालों के लिए तो बता दीजिए। तो आज मैं आपके लिए जो एक पील ऑफ मास्क लेकर आई हूँ, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए लेकर आई हूँ। ये जो पील ऑफ मास्क है, वैसे सारे स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको करवा चौथ, दिवाली, दुर्गा पूजा, पार्टी, शादी में पार्लर जाने का टाइम नहीं मिला है या तो फेशियल करवाने का टाइम नहीं मिला है, आपको पार्लर के फेशियल बहुत ज़्यादा महंगे लगते हैं या केमिकल वाले आपको जो फेशियल है वो सूट नहीं करते हैं, तो आप ये पील ऑफ मास्क इंस्टेंटली 2 या 3 घंटे पहले यू नो ट्राई कर सकते हो। इससे इंस्टेंटली सारी डर्ट, सारी इम्प्यूरिटीज निकल जाएगी और आपके चेहरे के ऊपर एक गोल्डन ग्लो आएगा और चेहरा आपका बहुत ज़्यादा शाइनी भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो आपको पता है कि आपको करना है एक लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे क्लिक कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो गाइस, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको यहाँ पर ऑरेंज पील ऑफ मास्क चाहिए। मैंने यहाँ पर एवर यूथ का नेचुरल ग्लो वाला ऑरेंज पील ऑफ मास्क लिया है। आप चाहो तो इसके बदले गोल्डन ग्लो वाला भी ले सकते हो, कोई भी कंपनी का यहाँ पर आप ले सकते हो। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वाला वीडियो नहीं है, जस्ट 45 रुपीज का आता है, तो आप आसानी से इसको ले सकते हो। जब आप पार्लर में जाके फेशियल करवाते हो तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इससे तो अच्छा यहाँ पर मैं आपको जो 3 स्टेप बताने वाली हूँ वो आप यू नो कम टाइम में भी कर सकते हो और कम पैसे में भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जो नेचुरल ग्लो वाला ऑरेंज पील ऑफ मास्क लिया है, इसमें विटामिन सी भर भर के है और विटामिन सी से हमारे चेहरे के ऊपर इंस्टेंट ग्लो आता है। ये पील ऑफ मास्क हमारी स्किन के ऊपर और हमारे पोर्स में जितनी भी गंदगी होती है अच्छी तरीके से उसको बाहर निकाल देता है और हमारे पोर्स को क्लीन कर देता है। यहाँ पर मैंने करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना पील ऑफ मास्क लिया है, आप आपके फेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ले लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर पिंच ऑफ हल्दी डालूंगी। गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक DIY पील ऑफ मास्क बताऊंगी। ये पील ऑफ मास्क तो अच्छा है ही, बट इसके अंदर आप हम 3-4 ऐसी चीज ऐड करेंगे जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ करीब 5 से 6 बूंद रोज वाटर यानी गुलाब जल की। गुलाब जल हमारी स्किन को अच्छे से फ्रेश कर देता है, हमारे स्किन का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर 2 से 3 बूंद लेमन जूस की ऐड करने वाली हूँ। अगर आपको सूट करता है तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दीजिए। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा एलोवेरा जेल। यहाँ पर हमें रेडीमेड वाला ही ऐड करना है, प्लांट वाला नहीं। और उसके बाद आप इन सबको अच्छे से मिला लीजिए और आपका यहाँ पर जो DIY पील ऑफ मास्क है स्किन को ग्लोइंग करने के लिए वो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस मैं आप सबको बता देती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप, अगर आपके चेहरे के ऊपर कोई भी क्रीम, कोई भी मॉइस्चराइजर, कुछ भी है तो आप फेस वॉश की हेल्प से फेस को धो लीजिए। यहाँ पर जो मेरा फेस है वो क्लीन फेस है, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोज वाटर गुलाब जल कॉटन में लेकर फेस को क्लीन कर दूंगी, जिससे अगर हमारा फेस चिकना होगा तो सारी जो गंदगी होगी, ऑयलीनेस होगी वो निकल जाएगी। आप भी रोज वाटर या तो फेस वॉश की हेल्प से फेस को धो लीजिए। तो यहाँ पर मैंने फेस को क्लीन कर लिया है और मेरा जो कॉटन है बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर। तो अब जो सेकेंड स्टेप है, यहाँ पर हमने जो पील ऑफ मास्क बनाया था वो आपको अच्छी लेयर में, थोड़ी मीडियम लेयर में पूरे फेस के ऊपर आपको अप्लाई कर देना है। चाहो तो आप नेक के एरिया पर भी लगा सकते हो। आपको अंडर आई एरिया, डार्क सर्कल का जो एरिया है उसे अवॉइड कर देना है, थोड़ी सी मीडियम लेयर में आपको अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा पतली लेयर में नहीं, क्योंकि अदरवाइज जब आप निकालोगे तो अच्छे से निकलेगा नहीं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने आपको जो सजेस्ट किया ना पील ऑफ मास्क, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंस्टेंटली जब आपको कहीं पर जाना हो तो फेशियल का टाइम नहीं है या तो पार्लर जाने का टाइम नहीं है, टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, तो आप इस तरीके से ये 3 स्टेप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जो आपको पील ऑफ मास्क बताया, पोर्स में से सारी जो गंदगी है, इम्प्यूरिटी से, धूल मिट्टी है, उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर देता है।
जब हम सांस लेते हैं उसी तरीके से हमारी जो स्किन है वो भी सांस लेती है। अगर हमारे पोर्स पे बहुत ज्यादा कचरा, धूल मिट्टी या तो पसीना जमा होगा तो हमारी स्किन अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी। इस तरीके से ये पील ऑफ मास्क सारी गंदगी को निकालेगा, टेनिंग को निकालेगा, ऑक्सीजन हमारी स्किन को अच्छे से प्रोवाइड करेगा जिससे हमारा नेचुरल ग्लो बरकरार रहेगा। और ये जो पील ऑफ मास्क है उससे हमारी स्किन का, फेस का ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाती है और ग्लोइंग हो जाती है। तो पूरे चेहरे के ऊपर लगाने के बाद आपको इसे करीब 20 से 25 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है, यानी जब तक ये ड्राई ना हो अच्छी तरीके से 100% तब तक आपको इसे लगाना है। तो मैं यहाँ पर 20 से 25 मिनट के बाद आप सबको मिलती हूँ। तो यहाँ पर करीब गाइस 25 मिनट के बाद मेरा ये जो एक पील ऑफ मास्क है अच्छी तरीके से सूख गया, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको ऊपर से नीचे से लेकर इस तरीके से आपको इसको निकालना है, रिमूव करना है। आप धीरे धीरे करके इसको निकाल लीजिए। अगर आपका पील ऑफ मास्क थोड़ा सा भी गीला होगा तो अच्छे से रिमूव नहीं होगा, आप 100% इसको ड्राई कर लीजिए, इसको अच्छी तरीके से निकाल लीजिए और आपके चेहरे के ऊपर आपको एक इंस्टेंट ग्लो दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट निकाल लिया है और पूरा निकालने के बाद मैं फेस को सिर्फ सादे पानी से धो के आप सबको मिलती हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर क्लीन वाटर से, नॉर्मल पानी से फेस को धो लिया है। आप मेरे चेहरे के ऊपर एक इंस्टेंट ग्लो देख सकते हो क्योंकि पील ऑफ मास्क से हमारी सारी गंदगी चेहरे के ऊपर की सारी डर्ट निकल जाती है और हमारा जो नेचुरल ग्लो होता है हमारे चेहरे के ऊपर वापस आ जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर कंपलसरी थर्ड स्टेप करना है जो कि है आइस क्यूब मसाज। मैंने आइस क्यूब मसाज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी, आप चेक कर सकते हो। जब हम पील ऑफ मास्क यूज करते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और पोर्स को बंद करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आइस क्यूब मसाज से हमारे पोर्स भी बंद हो जाते हैं, हमारे चेहरे के ऊपर एक नेचुरल ग्लो आता है और हमारी जो स्किन होती है वो भी टाइट होती है, क्योंकि आइस क्यूब से हमारी स्किन जो ढीली स्किन होती है वो भी टाइट होती है, पोर्स बंद हो जाते हैं, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा पिंक दिखने लगती है। तो आपको रुमाल में लेकर लपेट कर करीब एक मिनट के लिए ये पूरी आइस क्यूब चेहरे के ऊपर मसाज करनी है और उसके बाद बस ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। आप देख सकते हो कि नॉर्मल से 3 स्टेप है, यहाँ पर आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा यू वेस्ट नहीं होता है, पैसे भी इतने ज़्यादा वेस्ट नहीं होते। जस्ट 50 रुपीज़ में आपको पार्लर से भी अच्छा यहाँ पर आपको ग्लो मिलेगा। तो डेफिनेटली ये 3 स्टेप आपके घर में ट्राई करना, उसके बाद मुझे नीचे कमेंट में बताना कि आपको कितना रिजल्ट मिला। तो यहाँ पर गाइस आपने 3 स्टेप देख लिए ना कि जस्ट सिंपल तरीके से आप आपके चेहरे के ऊपर ग्लो ला सकते हो। वैसे ये सीजन में अगर हम पार्लर जाके फेशियल करवाते हैं, ब्लीच करवाते हैं, तो जो प्राइस होती है वो भी डबल हो जाती है। ऊपर से उसमें काफी सारे केमिकल्स होते हैं, आपको पहले से ही पार्लर में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और कई बार पता नहीं आपको वो जो फेशियल होता है वो या जो ब्लीच होता है वो सूट करे या ना करे। अगर रेडनेस हो जाती है तो आपका फेस्टिवल भी खराब हो सकता है। बट यहाँ पर मैंने आपको एक सेफ नेचुरल तरीका बताया है और अगर मैं खर्चे की बात करूं तो जस्ट 50 रुपीज ही यहाँ पर आपके खर्च होते हैं ये पील ऑफ मास्क के। सो कई बार क्या होता है गाइस कि आपके चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर अगर नेचुरल ग्लो नहीं होता है और आप कितना भी मेकअप कर लो तो वो जो मेकअप होता है वो फेक दिखता है और सबको लगता है कि आपने बहुत सारा मेकअप पोता है। तो ये जो पील ऑफ मास्क है इससे नेचुरली आपके स्किन के ऊपर ग्लो आएगा। यहाँ पर आप पील ऑफ मास्क के बारे में वीडियो शूट करी हो, आप मेरे चेहरे के ऊपर क्लियरली एक ग्लो देख सकते हो। ये जो पील ऑफ मास्क है गाइस सारे स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है और आपको इसे 15 दिन में एक बार ही करना है। आप महीने में 2 बार इसको कर सकते हो अगर आपको कहीं पर भी जाना है तो, और आपकी एज टीनेज हो, 30 40 50 साल की हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत मैन एंड वुमेन भी इसे यूज कर सकते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि अभी फेस्टिव सीजन चल रही है तो आप में से काफी सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे और बहुत सारे लोगों को पता होगा कि paisawapas.com इंडिया की एक फेमस वेबसाइट है कैशबैक के लिए। अगर आप Amazon, Flipkart, Myntra से कुछ भी परचेज करते हो पैसा वापस के थ्रू तो आपको अच्छा खासा कैशबैक यहाँ पर मिल जाता है। और अभी जैसे Amazon और Flipkart की ग्रेट इंडियन सेल चल रही है, इस टाइम पर paisawapas.com ने एक गिव अवे रखा है। 3 लाख तक के आपको यहाँ पर प्राइजेस मिल जाएंगे और जो टॉप 500 बायर्स होंगे उनको सभी को कुछ ना कुछ प्राइजेस मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट विनर को यहाँ पर iPhone XR मिलेगा, सेकेंड विनर को पोको का फोन मिलेगा, इस तरीके के बड़े बड़े यहाँ पर आपको प्राइजेस मिल लेंगे। तो ये जो गिव अवे है उसका रजिस्ट्रेशन
स्टार्ट हो गया है, 29 सितंबर लास्ट डेट है और ये जो कॉन्टेस्ट है वो 29 सितंबर टू 4 अक्टूबर तक रहेगा। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइड की है, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो और अब से आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन से कुछ भी परचेज करते हो ये फेस्टिव सीजन में, तो पैसा वापस के थ्रू करना, आपको अच्छा खासा कैशबैक मिल जाएगा। तो गाइस था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, कैसा लगा आपको? जो मेरे यू नो ऑयली स्किन वाले सब्सक्राइबर है जो मुझसे नाराज हो गए थे और बोल रहे थे कि मैम हमारे लिए भी कुछ वीडियो बनाए, तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कहीं पर भी आपको जाना है इंस्टेंटली, टाइम नहीं है पार्लर जाने का, या तो पार्लर का आपको खर्चा महंगा पड़ता है, तो आप इस तरीके से 3 स्टेप यहाँ पर फॉलो करके इस चेहरे को इंस्टेंटली ग्लोइंग कर सकते हो। तो वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो अगर इसी तरीके की वीडियो रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाने की ट्राई करूंगी। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप मेरे दूसरे वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय गाइस, लव यू ऑल।